वतन की खामोशी पर जिसने शोर मचा डाला, वतन की खामोशी पर जिसने शोर मचा डाला, इंकलाब के नारों पर जिसने जोश जगा डाला, थी जवान आंखें जिनकी मरते थे वो आज़ादी पर, लाख लगाए अंग्रेजों ने बंदिशें इनकी जवानी पर, मगर इन स्वतंत्रता सेनानियों को कोई छू भी ना पाया था, आज़ादी की लहर को जिसने क्षण भर में लाया था, होठों में मुस्कान लिए आंखों में हिंदुस्तान लिए, चढ़ गए तीनों फांसी पर अपनी आंखों में अपनी जान लिए। इनसे जब पूछा गया था कि आपकी आकर्षण क्या है फांसी लगने के पहले, तो उन्होंने कहा था कि हमारी बेड़ियां खोल दो, हमें गले मिलना है। ये तीनों जो थे, तो इस पर लाइन है कि मिल रहे थे गले ऐसे, मिल रहे थे गले ऐसे जैसे जंग जीतने निकले हों, खुल गए जन्नत के दरवाजे जैसे स्वयं श्री राम पद पर निकले हों, जैसे स्वयं श्री राम पद। फिर इन्हें काट कर इन्हें पीसेस में काटा गया और लाहौर सेंट्रल जेल की जो पीछे की जो दीवार थी उसको तोड़ी गई, और फिर सतलज जो रिवर है वहाँ पे उनको जलाने की कोशिश कर रहे थे जो भी था। तो सतलज की बाहों पर जा लिपटी इनकी जवानी, भगत सिंह बहुत जवान थे, शायद 21 या 22 साल के थे। सतलज की बाहों पर जा लिपटी इनकी जवानी, हुई खामोश फिजाएं और रो रही थी सतलज का पानी, और रो रही थी सतलज का पानी। धरती हिल उठी, हिल उठे शाखों के पत्ते, अहिंसा की लाठी पर सब मार रहे थे देशद्रोह के जूते, अहिंसा की लाठी पर सब मार रहे थे देशद्रोह के जूते, मौन हुई लाठी खामोश खड़े थे अहिंसा के रखवाले, मौन हुई लाठी खामोश खड़े थे अहिंसा के रखवाले, चाचा नेहरू भी ना कुछ बोले, ना बोले संविधान के रखवाले, पर पूरा भारत चीख रहा था इंकलाब के नारे, इंकलाब के नारे।